हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग एनटीपीसी 2024 देने वाले हैं तो ये सेशन क्या है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अच्छे से सुनिए हम लोग इसमें कवर क्या कर रहे हैं। तो देखिए, जो है ये हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे। तो देखिए, हम लोग एनटीपीसी का मैथ का पेपर सोल्यूशन तो कवर हो रहा है, लेकिन ये सेशन किसके लिए महत्वपूर्ण है आप लोग अच्छे से सुन लीजिए। देखिए, अगर आपका आने वाले दिनों में एनटीपीसी का एग्जाम है, एएलपी का एग्जाम है और आरपीएफ का और रेलवे ग्रुप डी का, तो सबसे पहले इसके बारे में सुन लीजिए। देखिए, ये तीन चार जो एग्जाम है कौन कंडक्ट करवाएगी, तो टीसीएस कंडक्ट करवाती है। और टीसीएस में बता देता हूँ, देखिए 80 to 90%, आप लोग ऐसे सोचिए 80 to 90% क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर बेस पूछे जाते हैं, मतलब ये देते हैं। और 10% जो आपका ये जो बच रहा है, 10% जो चीज़ यहाँ पे बच रही है, अगर आप लोग देखिए मॉक टेस्ट देंगे तो वो चीज़ यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप लोग देखिए, अगर 30 में 30/30 अगर लाना चाहते हैं मैथ में, तो ये सेशन आप लोग पूरा अच्छे से देखिए। आपको यहाँ से मैथ में हर एक क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और ये सेट नंबर क्या है हमारा, 2 है। इसके पहले मैं सेट 1 करवा दिया हूँ, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग देखिए इस क्लास की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको सोल्यूशन पीडीएफ भी दी जाती है। चलिए सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या क्या लिखा गया है आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है सबसे ज़्यादा और सबसे कम कमाई करने वाले सदस्यों के वेतन में क्या अंतर है। देखिए, क्या दिया गया है, कमाई का प्रतिशत दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है, 33 दे दिया गया है, और सबसे कम यहाँ पे कितना है, 20 है। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 13%। और गुणे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 12 लाख दिया गया है। तो बस यहाँ पे आपको क्या कर देना है, देखिए 12 लाख करना है। तो ये 00, और जैसे परसेंटेज से ये 00 तो कट जाएगा, और 13 और 12 का आपस में गुणा करेंगे तो देखिए 12 12 144, 44 में 12 ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो ये 156 के आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में मैं बता दूँ, देखिए आज का पेपर थोड़ा टॉप लेवल का है, मतलब समझिए ऐसे मॉडरेट टू हार्ड लेवल का है। थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस बना के इस सेशन को देखना है। कुछ इजी क्वेश्चन भी है, कुछ मॉडरेट लेवल के हैं, तो आप लोग इसको लास्ट तक बने रहिए। चलिए, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या पूछा गया है, विच कंपनी हैज़ द मैक्सिमम डिफरेंस इन द नंबर ऑफ द मेल एंड फीमेल इम्प्लॉई। मतलब देखिए, यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पे 250 दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, 150। तो सबसे देखिए सबसे लंबा गैप यहीं पर दिख रहा है, यहीं पर हम लोग डायरेक्ट यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते थे। तो इसका मान कितना दे दिया गया है, 300, और डी का मान आपको कितना दे दिया गया, देख सकते हैं आप लोग, 100 दे दिया गया। इन दोनों के बीच का गैप कितने का है, 250 का है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। मतलब किस कंपनी में, तो डी कंपनी में मेल और फीमेल का डिफरेंस क्या है, सबसे ज्यादा अधिक है। तो यह भी क्वेश्चन इजी था, इसको भी सभी लोग सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, यह क्वेश्चन अच्छा है, आप लोग अच्छे से समझिए। लिखा गया है, यदि छात्रों की कुल संख्या 120 है और छात्रों की संख्या सभी विषय में समान रूप से वितरित की जाती है, तो कितने छात्र भाषाओं का अध्ययन करते हैं। अब आप लोग ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये टर्म है, कोई भी चीज ऐसे गोले में है, तो ये अपने आप में क्या होती है, 100% रहती है, 100% रहती है ना। अब आप लोग देखिए, सोचिए अगर सब कितना है, देखिए यहाँ पे 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, पांचों चीज़ अगर मिलके 100% बना है, तो एक चीज़ मतलब प्रत्येक कितने का हो जाएगा, तो ये भी 20% आ जाएगा, ये भी आपका कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। और ये भी आपका क्या आ जाएगा, देखिए ये भी आपका कितना आ जाएगा, तो ये भी 20% आ जाएगा। इधर भी आपका कितना आ जाएगा, देखिए 20, और ये टर्म भी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो देखिए एक विषय में कितना आ जाएगा, 20%। अब देखिए जो भाषा होती है वो किस चीज़ में होती है, समझिए अगर एक विषय की बात करते हैं तो 20% भाषा हमारी एक तो हिंदी में हो सकती है और एक हमारी क्या हो जाएगी, इंग्लिश में हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, देखिए भाषाओं का अध्ययन पूछा गया, और इंग्लिश में भी यहाँ पे देख सकते हैं हाउ मैनी स्टूडेंट स्टडी द लैंग्वेज। तो मतलब एक विषय में देखिए इसमें 20 और इसमें 20, सॉरी हाँ, हिंदी और इंग्लिश भाषा दोनों हो जाएगी, या तो हिंदी में होगी या तो इंग्लिश में। तो 20-20 आपको कितना मिल गया है, देखिए 40% तो मिल गया है। अब इसी का क्या करना है, देखिए टोटल कितने हैं, तो 120 दिया गया है, तो बस 120 निकाल दीजिए। अब देखिए ये 0 से ये 0, मतलब परसेंटेज से ये 00 कट जाएगा, और 12 चौके कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए पूछा क्या गया है, लिखा गया है स्कूल बी में लड़कों के पास यानी उत्तीर्ण प्रतिशत और स्कूल सी में लड़कों के उत्तीर्ण प्रतिशत का अनुपात। देखिए बी यहाँ पे कितना है, देखिए बी में है टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो ये 32 तो रहेगा, ये क्या है हमारा 32। अब गुणे बॉय, देखिए इधर वाले लड़के हैं इधर वाली लड़कियाँ हैं, तो 5 3 8, मतलब यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, 3/8, ये 8 से 32 को डिवाइड करेंगे, 8 चौके 32, मतलब 4 तिहाई कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। उसी प्रकार इन दोनों का निकालेंगे सी में,
ये जो 12 हमारा आ गया है किसका है, ये बी का। अब यहाँ से हम लोग किसका निकाल देते हैं, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ सी का। सी बराबर निकालेंगे तो टोटल 24 है, 24 लोग पास हो रहे हैं। अब एक बटा में तीन निकालेंगे तो 3/8 24, तो रेशियो हमसे पूछा है बी, रेशियो क्या पूछा है सी, तो यानी 12 रेशियो कितना आ जाएगा, 8। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, अगर डिवाइड कर देंगे तो देखिए 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8, ये भी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अब से आपको अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे। देखिए लिखा गया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर आपको 14 दे दिया गया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 47 है और ए बी सी बराबर 15, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, बार बार ये क्वेश्चन बनता है, क्या होता है आपका, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ आप लोग समझिए, यहाँ से होता है ए क्यू प्लस यहाँ पे बी क्यू प्लस ये क्या आ जाएगा सी क्यू, अब माइनस क्या होता है आपका 3ABC, यही बराबर आपको क्या मिलेगा, तो देखिए ए प्लस बी और प्लस सी। अगले क्वेश्चन में आपको क्या मिलने वाला है, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी और ये सी का क्या बन जाएगा आपका स्क्वायर बन जाएगा और माइनस 3, यहाँ पे आ जाएगा ए बी और ये प्लस ये बी सी और ये क्या होता है आपका सी ए होता है और ये कोष्ठ बंद हो जाएगा। तो देखिए इसको एक मिनट के लिए हम लोग के ले लेते हैं, इसको के मान लीजिए। अब देखिए ए बी सी का मान कितना दिया है, 15 दे दिया गया है और 15 × 3 यहाँ पे जैसे डायरेक्ट गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 15 × 3 = 45। ए बी सी का मान 14 दे दिया गया है और यहाँ पे जैसे रखेंगे 14 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा 196। माइनस देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी का मान आपको 47 दिया है, 3 से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको क्या लेना है, देखिए यहाँ पे 3 × क्या है 47 है, तो 3 × 40 में गुणा कीजिए, 40 × 3 = 120 और 7 × 3 = 21 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से हमें 141 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से जैसे अगर आप लोग लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 14 × 196 में से 41 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 5 मिल जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपको 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा ना। अब आपको क्या करना है, देखिए इन दोनों का गुणा कीजिए, 6 में से 1 घटा देंगे, सही तो है, 4 × 3 = 12 = 120 7 × 3 = 21 हाँ सही है 5, यानी 9 में से यहाँ पे कितना जाएगा 5। अब सही है, देखिए 14 × 5 कितना होता है 70 है, 14 × 5 = 70 यानी 770 आ जाएगा, 770 में अगर ये 45 माइनस में है इधर आएगा तो ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 815। इस सवाल का राइट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, यक्स प्लस, देखिए इसका इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/x लिख सकते हैं या यही इसी को ऐसे इनवर्स करके लिखा जाता है। देखिए यक्स प्लस 1/x बराबर 7 दे दिया गया है, हमसे यक्स क्यू प्लस 1/x³ का मान पूछा गया है। तो देखिए मैं कल इस टाइप का क्वेश्चन शायद करवाया था, देखिए जब यक्स प्लस 1/x बराबर अगर आपको के दे दिया जाए तो हमसे क्या पूछा जाए, हमसे पूछा जाए यक्स क्यू प्लस 1/x³, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है भैया हमारा k का q माइनस क्या होता है 3k होता है, यहाँ k के स्थान पे आपको 7 का q कर देंगे कितना मिल जाएगा, तो 343 मिल जाएगा, माइनस 21 घटा देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, तो 322 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए लिखा गया है 11 सदस्य वाले एक क्रिकेट टीम के कप्तान 35 वर्ष का है और विकेट कीपर कप्तान से 5 वर्ष बड़ा है, यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 3 गुना कम है, तो पूरी टीम का औसत आयु आपको ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या करना रहता है, थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ उसके बाद से इसका शॉर्ट अप्रोच बताता हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लोग नंबर लिखिए, यहाँ पे एवरेज लिखिए और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए हो जाएगा, यहाँ पे नंबर है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा एवरेज आ जाएगा, ये टोटल आ जाएगा समझिए। जैसे शुरुआत में देखिए सबसे पहले 11 लोग थे, यहाँ पे एवरेज इसका यक्स, तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 यक्स आ जाएगा। अब बोला गया देखिए यहाँ पे एक क्रिकेट टीम के कप्तान, देखिए यहाँ पे के समझिए, के हमारा क्या है कप्तान, कप्तान की आयु कितना है 35 वर्ष, तो विकेट कीपर यानी बी से डिनोट कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 35 + 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये 40 वर्ष आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में बोला गया देखिए यदि इन दोनों की आयु को हटा दिया जाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु, देखिए शेष खिलाड़ी कितना आ जाएंगे, देखिए दो लोग हटा दिए गए हैं तो अब कितना बचेगा 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, तो औसत यहाँ में देखिए पूरी टीम की औसत यहाँ में 3 वर्ष की कमी हो जाती है, तो पहले औसत यहाँ पे x था, अब घट के कितना हो गया है x - 3 हो गया है, जैसे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आपको कितना लेना पड़ेगा, देखिए 9x
और माइनस कितना आ जाएगा 27। अब यही आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे 11x माइनस, यहाँ से आपको करना है 9x माइनस क्या करना है 27, और यही बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों को हम लोग ऐड करके लिख देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 75 आ जाएगा। अब देखिए जैसे यहाँ से अगर आप लोग घटाएंगे तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 2x, और यहाँ से प्लस कितना आ जाएगा 27, बराबर ये कितना आ जाएगा ये 75, तो 2x बराबर अगर आप लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 48, तो x बराबर यहाँ से जैसे निकाल देंगे आपको कितना मिल जाएगा 24 मिल जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। अब आप लोग देखिए थोड़ा सा अगर आप लोग इसको शॉर्ट अगर करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका इसमें आप लोग डायरेक्ट यहाँ से गुणा कर सकते हैं किसको, क्योंकि अगर आप लोग सोचिए अगर आप लोग एवरेज एक्स मानिए, या तो ऐसे सॉल्व कीजिए देखिए, या तो इस तरह लगा लीजिए, नहीं तो एक और अप्रोच बताता हूँ इसको आपको क्या करना है समझना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 11 लोग हैं, समझिए इसका औसत हम मान लेते हैं कि एवरेज हमारा क्या है, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यही कुल मिलाकर जानते हैं। थोड़ा सा अगर आप लोग ऐसे भी जो सेकंड वाला बता रहा हूँ इसको भी थोड़ा सा ऐसे भी करेंगे तो यही आएगा। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, एक ही अप्रोच जानिए, थोड़ा सा आप लोग इसमें शॉर्ट भी बना सकते हैं, ऐसा है नहीं कुछ। तो चलिए बाकी अगले दिन अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर शॉर्ट अप्रोच मैं सिखा दूंगा ना, इसको समझिए इसी तरह। क्या लिखा गया है पी क्यू आर का औसत वजन कितना है 58 किग्रा, यदि पी और क्यू का औसत वजन कितना दे दिया गया है 54, और क्यू आर का आपको कितना दे दिया गया है 48, तो हमसे क्यू का मान पूछा गया है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आप लोग ऐसे समझे, देखिए मान लीजिए पी क्यू और यहाँ पे क्या है आर दिया गया है, अब यहाँ पे एवरेज कितना दिया गया है 3, यही बराबर आपको कितना दे दिया गया 58, तो डायरेक्ट यहाँ पे गुणा कर देंगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो 3 × 58 दे दिया गया है। यहाँ पे देखिए पी और क्यू बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो 2 × कितना आ जाएगा ये 54 आ जाएगा, और यहाँ पे आप लोग करेंगे Q प्लस ये R बराबर आपको कितना जाएगा, तो यहाँ पे 2 × 48 आ जाएगा। अब देखिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, लेकिन थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए, देखिए यहाँ पर Q एक बार है यहाँ पे 2 बार है, समझ रहे हैं, अगर हम लोग इन दोनों को अगर एक बार ऐड कर देते हैं, जैसे ऐड करेंगे मतलब जोड़ देंगे, तो P प्लस क्यू प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा R, आप प्लस यहाँ पे Q को एक बार अलग से लिख लेते हैं, देखिए दोनों में 2 कॉमन है, जैसे 2 कॉमन कर देंगे यहाँ पे 2, और कोष्ट में हमें क्या मिलेगा इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 5 × 4 = 90, 8 × 4 = 12, 90 में 12 जोड़ देंगे तो आपको 102 मिल जाएगा। अब देखिए पी प्लस क्यू प्लस आर का मान कितना दे दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए 3 × 58 दिया गया है, तो 58 को 50 बना के 3 से गुणा करते हैं, देखिए 50 × 150 और 3 × 24, 150 में 24 ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो 174, और ये प्लस यहाँ पे क्यू मिल जाएगा। अब 2 का 102 में गुणा करेंगे 204, तो क्यू बराबर आपको कितना मिलेगा, यहाँ से क्यू बराबर 30 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए लिखा गया है ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसमें एक वृत्त समाहित है, मतलब इसके अंदर बनाया गया है, समकोण त्रिभुज की 2 भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या। तो आप लोग ऐसे समझिए, देखिए सबसे पहले यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना है इस टाइप का, ये मान लीजिए आपका क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, अब यहाँ से सोचिए ऐसे एक सर्कल बनाया गया है ना ऐसे इस तरह से, इसकी हमें रेडियस ज्ञात करनी है। सबसे पहले साइड आपको ये 10 दे दिया गया है और ये क्या है आपका 24 है, तो देखिए हीट एंड ट्रायल लगाइए, सोचिए हीट एंड ट्रायल क्या लगा सकते हैं, तो देखिए आप लोग ट्रिपलेट पढ़े होंगे, छोड़िए ये लिखने की जरूरत नहीं है, ट्रिपलेट हमारा क्या होता है 5, 12 और 13 होता है, देखिए जैसे इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 5 × 10 यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 26, तो ये वाली साइड कितना आ जाएगी 26। अब देखिए इन रेडियस का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस, आप लोग क्या लिख सकते हैं हाइपोटेनियस, 1 मिनट क्यों मिस्टेक हो रहा है, इसको मैं कलम चेंज कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस क्या होता है हाइपोटेनियस बटा में ये 2, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर आप लोग इसको थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 24 प्लस 10 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 34, और यहाँ पर 26 हो जाएगा यार, सॉरी देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, 34 में से अगर आप लोग क्या घटा देंगे 26 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 8, 8 में 2 से डिवाइड करना है कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, इस सवाल का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए लिखा गया है, अनिल ने दुबे को साधारण ब्याज पर 3 वर्ष के लिए 7200 रुपये और राघव को 4 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर 8400 रुपये उधार दिए और उनके ब्याज के रूप में कुल 4968 रुपये प्राप्त हुआ। तो प्रतिवर्ष ब्याज दर, देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो ये होता है PRT बटा में क्या होता है 100 होता है। तो आप लोग देखिए डायरेक्ट लिखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे R तो दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाहर लिख देता हूँ ना, ये समझिए आपका R है। कोस्ट में हमें क्या मिलेगा, देखिए 3 गुणे यहाँ पे मिल जाएगा 7200 और प्लस यहाँ पे 4 गुणे कितना मिल जाएगा, सोचिए यहाँ पे 8400 मिल जाएगा और बटा में आपको क्या करना है, तो बटा में आपको ये 100 मिल जाएगा और यही बराबर आपको कितना दे दिया गया है, देखिए यहाँ पे 49 दिया गया है और 68 दिया गया है। तो आप लोग सोचिए, देखिए यहाँ से 12 मिल रहा है, 12 और 12 सत्तर 84 होता है, तो सोचिए अगर हम लोग यहाँ पे R लिखते हैं, अगर यहाँ पे क्या कर देंगे 1200 अगर हम लोग कॉमन कर देंगे तो कोस्ट में क्या मिलेगा, देखिए 12×76 यानी 6×3 18 मिल जाएगा, अब प्लस यहाँ पे देखिए 12×7 84 और 7×4 28 यहाँ पे 28 आ जाएगा, आ जाएगा ना, बटा में आपको क्या करना है 100 और यही बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो ये 4968 दे दिया गया है। अब देखिए ये 100 से ये कट जाएगा ना। अब देखिए R बराबर आपको कितना मिलेगा, देखिए 12 से डिवाइड करेंगे तो देखिए सबसे पहले इधर 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो 12×4 48 12×12 12×4 48 बटा में कितना आ जाएगा आपका, ये 18 और ये 28 जोड़ देंगे तो 20 10 30 8 8 16 30 में अगर 16 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 46 मिल जाएगा। जैसे 46 को 414 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 9%। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 9%, यानी ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा गया है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC मतलब एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है, इफ AB बराबर है किसके, AC के, बराबर कितना दे दिया गया है 26 सेंटीमीटर एंड BC बराबर 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, तो आप लोग ऐसे समझिए, मैं फिगर बना रहा हूँ, देखिए ये चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, A है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में मतलब क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल हो, AB और AC आपस में क्या है, ये इक्वल है। अब आपको देखिए इसका मान कितना दे दिया गया है, ये 26 दे दिया गया है, इसका भी मान 26 है, और BC बराबर आपको कितना दे दिया गया है, देखिए BC बराबर ये टोटल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब देखिए एक तो जनरली तरीका होता है इसका कि आप लोग फार्मूला लगाइए, फार्मूला लगाने से ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सबसे पहले देखिए अगर आप लोग यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सोचिए अगर आप लोग इसको परपेंडिकुलर डाल देते हैं, परपेंडिकुलर मान लीजिए किस पे है, D पे, तो ये वाली साइड देखिए BD आपका कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये भी आपका कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखिए अगर आप लोग देखिए ये 90 है, 90 डिग्री इधर भी है इधर भी है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड कितना होता है, हाइपोटेनियस होती है ना। अब आप लोग देखिए पुनः जस्ट अभी मैं बताया हूँ, देखिए 5 ये 12 ये 13 क्या होता है, हमारा 888 होता है, अगर 2 से जैसे गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए 13×26 और 12×24 और 5×10, मतलब देखिए यहाँ पे 10 है 26 है, तो यहाँ पे अगर ये वाली साइड अगर आप लोग लेंगे, देखिए AD आपका कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, AD आपका कितना आ जाएगा 24। अब तो ट्रायंगल ABC का एरिया का फार्मूला पढ़े होंगे, क्या होता है हमारा 1/2, अब बेस आपका कितना आ जाएगा, तो 20 दे दिया गया है, हाइट निकाल दिया हूँ कितना आ गया है 24 आ गया है। अब 2 से जैसे अगर 20 को डिवाइड कर देंगे 10 और इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, इधर 26 के जगह पर तो कुछ लिखा नहीं ना हूँ, हाँ सही है। चलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइए इसको भी हम लोग करते हैं, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा गया है, एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण दूसरे का 65% है, लंबे विकर्ण की भुजा के रूप में उपयोग करके एक वर्ग बनाया जाता है, तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए सबसे पहले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 D1 × D2 होता है। अब देखिए दूसरे विकर्ण का 65% मतलब देखिए अगर पहला विकर्ण आप लोग D1 बराबर क्या ले लेते हैं 100 ले लेते हैं, तो ये D2 बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो ये 65 मिल जाएगा, तो यहाँ से इसका एरिया क्या आ जाएगा, देखिए इसका एरिया निकालेंगे तो 1/2 × D1, D1 का मान कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा और D2 का मान कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर आप लोग देखिए समचतुर्भुज का एरिया निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50 और गुणे आपको क्या करना है 65 करना है। अब आगे बोला गया है, देखिए दूसरे कलम से मैं चेंज कर देता हूँ, देखिए लिखा गया सबसे लंबे विकर्ण भुजा के रूप में उपयोग करके एक वर्ग बनाया जाता है, मतलब वर्ग की साइड आपको कितना दे दिया गया है 100 दे दिया गया है, तो अगर आप लोग इसका एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो यानी दो बार लिख देता हूँ 100×100। बस देखिए
इसका और इन दोनों का हमें क्या करना है, रेशियो लेना है। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखिए 50 को अगर ये 100 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में, दो बार में, और 5 से अगर 13 को काटेंगे तो 13 पाँच 65 और ये कितनी बार में चला जाएगा, ये 20 बार में। तो आपको रेशियो कितना मिल गया है, तो 13:40 इस सवाल का राइट आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा गया है, शीशे के 6 सेंटीमीटर व्यास के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर में गिराए जाते हैं, तो कुछ पानी होता है, देखिए जिसमें कुछ पानी होता है ताकि वे पूर्णतः डूब जाएं। यदि बीकर का व्यास 9 सेंटीमीटर और जल का स्तर यानी 32 सेंटीमीटर बढ़ गया है तो बीकर में गिराए गए शीशे के गोलों की संख्या हमें बताना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये क्या है, गोला है। देखिए शीशे के 6 सेंटीमीटर व्यास के कुछ गोले एक बेलनाकार बीकर में, बेलनाकार मतलब क्या होता है, बेलन होता है। तो सबसे पहले अगर गोले की रेडियस निकालेंगे, व्यास है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो गोले का आयतन क्या होता है, देखिए 4/3 आपका 3 होता है और यहाँ पे पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा आर क्यू, और इन गोले की संख्या मान लेते हैं एन है, और यही बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे बेलन के आयतन के इक्वल हो जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए ये पाई से ये वाला पाई टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब आपको क्या लेना है, तो देखिए यहाँ पे 4/3 और R का मान यहाँ पे कितना है, देखिए 3×3 और × 3 इंटू यहाँ पे कितना दे दिया गया है यन, ये बराबर है। देखिए इसका मान, देखिए व्यास यहाँ पे 9 सेंटीमीटर दे दिया गया, तो रेडियस निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9/2 और गुणे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9/2, और यच का मान आपको कितना दे दिया गया है, 32 दे दिया गया है। बस इसी को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए ये 2×4 से अगर 32 को डिवाइड कर देंगे तो 8 बार में, देखिए तितली के 9 और 9 से 1 9 कट जाएगा। अब ये 4 से ये 8 को डिवाइड कर देंगे तो 2 बार में। अब देखिए ये क्या बचा है, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो यन बराबर हमें क्या मिल गया है, देखिए 9×18, तो यहाँ से गोली की संख्या कितनी आ जाएगी, 18। तो यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा गया है, जब पूर्णांक यन को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 प्राप्त होता है, यदि 12 यन को 9 से विभाजित किया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए जब यन को 9 से विभाजित कर रहे हैं शेष 4 आ रहा है, तो सीधे 4 का 12 में गुणा कर दीजिए, 12×4=48 और 9 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए 9×4=36 और 9×5=45, तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो इस सवाल का राइट आंसर 3 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा गया है, दो संख्याओं का योग 200 कितना दे दिया गया है, 88 दे दिया गया है, और उनका महत्तम यानी HCF आपको कितना दे दिया गया है, तो 16 दे दिया गया। देखिए HCF 16 है, तो ऐसी संख्या कितने जोड़े बनाए बन सकते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, तो सबसे पहले आप लोग मानिए संख्या आपकी क्या हो जाएगी, मान लीजिए क्या मान लेते हैं, XY ले लेते हैं, X है और ये Y है, तो इसका HCF निकालेंगे आप लोग, HCF तो क्या हो जाएगा, HCF निकाल देंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा 16X इंटू यहाँ पर आ जाएगा आपका 16Y, इन्हीं दोनों का योग दिया गया है। देखिए यहाँ पे आपको क्या लेना है, 16X और ये प्लस 16Y बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो 288। तो यहाँ से 16 कॉमन कर देंगे तो X प्लस क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, तो 288। जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए X प्लस Y बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 18 मिल जाएगा। अब हमसे पूछा गया है इसके कितने पेयर पॉसिबल हैं, समझ रहे हैं इसके पेयर कितने पॉसिबल हैं, तो आप लोग ऐसे समझिए, देखिए 18 कैसे आ सकता है, तो यहाँ पे एक ले सकते हैं और एक, और ये क्या आ जाएगा आपका, 17 आ जाएगा। और क्या ले सकते हैं आप लोग, देखिए 5 और 13 ले सकते हैं, और क्या ले सकते हैं, तो देखिए ये 7 और 11 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 18। तो ऐसे 3 पेयर पॉसिबल हैं, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। कुछ लोग कहेंगे देखिए 12 और 6 तो 18 होता है, इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, तो ये चीज़ देखिए आपस में ये डिवाइड हो रही है ना, तो इसको नहीं लेना है, वही चीज़ लेना है जो डिवाइड ना हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 7 और 11 में आपस में तो कोई चीज़ कटेगी नहीं, यहाँ पे 5 और 13 में भी नहीं कटने वाला है और 1 और 17 में भी, तो ये चीज़ आपको लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए लिखा गया है, 24 आम के पेड़, 56 सेब के पेड़ और 72 संतरे के पेड़ की पंक्तियों में इस तरह लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ की संख्या समान हो, तो पंक्ति की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या करना रहता है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो ये 24 और ये 56 और ये क्या दे दिया गया है, 72, इन तीनों को आपको क्या लेना है, HCF निकालना है। तो HCF वही संख्या होगी जो इन तीनों को डिवाइड कर देगी, यहाँ पे HCF कितना आ जाएगा, 8। अब यहाँ से क्या करना है, न्यूनतम संख्या निकालेंगे तो 24/8, देखिए 8 तरीके यहाँ पर कितना आ जाएगा,
24 हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 56, 56 बटा में 8, 8 साथ कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। पुनः यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए 72, 72 बटा में 8 करना है, तो 8 नवा 72। अब देखिए 7 3 10, 10 नौ जोड़ देंगे 19। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो बस आपको एच सी एफ लेके डिवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने को भाग दिया जाए तो वह भागफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, 35280, इसको 7 से पहले डिवाइड कीजिए। डिवाइड करेंगे, देखिए 7 5 35, ये 0, 7 4 28 0, इतना तो आ जाएगा, लेकिन ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। न ही अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये भी नहीं आएगा, न ही 4 से। देखिए अगर 5 से अगर आप लोग डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 5 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 5 7 35, ये 0, और देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 25 और 5 6 30, यानी 70 56। ये किसका वर्ग होता है, तो ये 84 का होता है। अब देखिए वर्ग निकालना है तो आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे 84 है, इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, 8 का स्क्वायर 64 लिख देंगे। अब देखिए 8 4 32, 32 2 64, तो एक अंक छोड़ के यहाँ पे लिख के ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे 6 और 5 6 4 10 6 1 7 70 56, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, यदि एक्स वाई दो धनात्मक संख्याएं इस प्रकार है कि अंडर रूट एक्स बराबर 8 दिया गया है, तो हमसे इतने का मान अंडर रूट वाई का मान पूछा गया है। तो देखिए सीधे अगर आप लोग इसको स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्स प्लस 64 मिल जाएगा। पुनः अगर आप लोग स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। अब यहाँ से अगर आप लोग इसको लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए 40 96 प्लस ये वाई बराबर मिल जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 41 12। तो यहाँ से वाई बराबर अगर ये टर्म इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो आपको कितना मिल जाएगा, 16। तो अंडर रूट में वाई बराबर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर यानी सेकेंड वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये 2024 में पूछा जा सकता है, एनटीपीसी में कंफर्म है, उसमें आएगा। अगर उसमें नहीं आया तो एलपी में आएगा, अगर एलपी में नहीं आया तो आरपीएफ में आएगा, उसमें नहीं आएगा तो रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, समझ जाइए, और ये समझ जाइए एसएससी का भी फेवरेट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में भी पूछे जाते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, राम कुमार ने इतने रुपये को दो एलईडी टीवी सेट खरीदा है, एक को 20% के लाभ पर, दूसरे को 15% के हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेट का विक्रय मूल्य समान है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना। देखिए एक तो फार्मूला होता है, एक जनरली इसका आपको क्या, इसका बेसिक क्या होता है, तो देखिए 20% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा लिख देता हूँ, देखिए 20% को आप लोग लिख सकते हैं 1/5, और क्या दिया गया है 15% को आप लोग क्या लिख सकते हैं 3/20। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखिए लाभ का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझिए। जैसे यहाँ पे सीपी है, यहाँ से एसपी, देखिए 20% को 1/5 लिखेंगे, देखिए मतलब 5 रुपये का समान है, तो 1 रुपये का फायदा हो रहा है, तो ये कितने में चला जाएगा, 6 रुपये में चला जाएगा। अब 15% देखिए यहाँ पे 20 लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो मतलब 20 रुपये दाम है, 3% हानि हो गई, तो ये सामान अब कितने में आप लोग बेचेंगे, 17 रुपये में। अब हमसे क्वेश्चन में बोला गया, देखिए दोनों का विक्रय मूल्य समान है, मतलब ये हमारा एस पी है, आप लोग यहाँ पर फोकस कीजिएगा, देखिए ये विक्रय मूल्य है। अब दोनों को समान करना है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग 17 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, और इधर हमें क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा कर देंगे ना। अब देखिए जैसे ये अगर आप लोग इसको लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 17 5 85, और यहाँ से अगर 6 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 120। और टोटल अगर आप लोग सीपी निकाल देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो 205, ये टोटल हमारा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा ना। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ रहा होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोग ऐसे समझिए, देखिए ये 5 रुपये का सामान है, सोचिए 6 रुपये में जा रहा है, तो कितने का फायदा हो रहा है, +1 का फायदा हो रहा है ना। अब देखिए यहाँ से आप लोग इसको, इस टर्म को समझिए, 20 रुपये का सामान 17 रुपये में आप लोग बेच रहे हैं, तो कितने का घाटा हो रहा है, तो माइनस यहाँ पे 3 का घाटा हो रहा है ना। अब देखिए अगर सोचिए यहाँ पे 1 का घाटा हो रहा है, जैसे अगर आप लोग इसमें गुणा करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई तो दोनों ओर करेंगे, तो 1 में जैसे गुणा करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा कितना बन जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा +17 आ जाएगा। अब यही 6 का अगर -3 में गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -18 आ जाएगा ना। हमसे क्या पूछा है, देखिए उसका लाभ या हानि हमें ज्ञात करना है, रुपए में ज्ञात करना है। अब सोचिए मतलब यहाँ पे +17 रुपये, यहाँ पे -18 रुपये, यानी यहाँ से हमें क्या हो रहा है, हानि हो रही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे लाभ वाला ऑप्शन दिया है, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। अब या तो 200 रुपये आ जाएगा या तो 400 रुपये आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, तो देखिए ये 205 यूनिट बराबर,
ये देखिए क्या दिया है, 205 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, ये 41 के मतलब क्या होता है, तो आप लोग जान जाइए 1000 होता है। अब देखिए जैसे एक यूनिट बराबर निकालेंगे, क्योंकि हानि हो रहे थे, हानि तो माइनस में होगी ना, एक यूनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा, 200 रुपये। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 200, यानी ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। और ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसी टाइप से इस सवाल को लगाइए, और एक नंबर का क्वेश्चन है। देखिए लिखा गया है, देखिए ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए लिखा गया है अमर और कोमल की आय मतलब इनकम का रेशियो कितना दे दिया गया है, 5:4, और उनके खर्च का अनुपात देखिए 2:3, तो उनके बचत 6000 रुपये प्रतिमाह बचाता है। तो अमर की हमसे इनकम पूछा गया है, आप लोग सॉल्व कीजिए, थोड़ा पानी पी लूँ। देखिए सबसे पहले आप लोग कंसेप्ट जानिए, देखिए इनकम बराबर क्या होता है, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है आपका सेविंग होता है, तो इतना तो है। अब आपको क्या करना है, देखिए इनकम में से क्या कर देंगे, अगर एक्सपेंडिचर घटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। तो बस ये सिंपल सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा आपको जानना था। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया है, इनकम रेशियो कितना दे दिया गया है, 5:4, यहाँ पे 4 दिया गया है, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर का रेशियो आपको कितना दे दिया गया है, देखिए यहाँ पे 2:1 दे दिया गया है। तो सेविंग क्या करेगा, यहाँ पे 6K बचा रहा है, यहाँ पर भी क्या बचा रहा है, 6K। यहाँ पे हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए इन दोनों का आपस में देखिए, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें, देखिए 4 × 8 और 5 × 5, 8 में से 5 घटा देंगे, कितना बचेगा हमारा, 3 यूनिट। 3 यूनिट बराबर आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 6 × 12 और 6 × 6, 12 में से 6 घटा देंगे, आपको कितना मिलेगा, 6K, यानी 6000। तो अगर एक यूनिट बराबर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 1K। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया अमर की इनकम कितनी है, 5 यूनिट, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 × 6, 2K आ जाएगा। तो 5 यूनिट बराबर निकाल देंगे, 5 × 10K। तो इस सवाल का राइट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, देखिए इतना क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये आपके लिए क्या रहेगा, HW रहेगा, इसको भी लगाइए। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिए, ये भी HW है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, यहाँ पे जितने भी अगर आपको क्वेश्चन दिए जाएँ तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, समझ जाइए आप ही के लिए दिया जा रहा है, तो कुछ आप लोग एक्स्ट्रा इफर्ट भी लगाइए। देखिए क्या लिखा गया है, एक संख्या में पहले 20% की कमी की जाती है, फिर 15% की वृद्धि की जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग समझिए, देखिए मान लीजिए ये आपका 100 है, या तो सबसे पहले बोला गया इसमें 20% की, सॉरी क्या दिया गया है, 20% की कमी, यहाँ पे क्या है, देखिए जैसे इसमें 20% की कमी करेंगे, समझिए 20% की कमी कर रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ मिलेगा, पुनः यहाँ से भी आप लोग क्या करेंगे, 15% की वृद्धि कर रहे हैं। तो देखिए जब भी आपसे सक्सेसिव मतलब चेंज दिया जाए, तो यहाँ पे आर्डर जो लिखा जाता है उसका इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, या तो आप लोग 15% पहले लिख सकते हैं या 20% को बाद में लिख सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा। अगर 15% लास्ट में निकालेंगे तो किसी संख्या का 15% निकालने पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वही किसी संख्या का अगर 20% निकालेंगे तो आपको कम टाइम देना पड़ेगा। तो हमें तो एग्जाम में टाइम सेव करना है, मतलब सेव करना है, बचाना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए मान लीजिए 100 रुपये का सामान है, आप लोग इसको 15% क्या कर दिए, बढ़ा दिए, तो आपको कितने में चला जाएगा, ये 115 में। पुनः यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए 20% कम करना है। अब देखिए अगर आप लोग देखिए इसको ओरली इसको लगाया जा सकता है, इसमें कलम उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, आप लोग ऐसे समझिए, अगर 10% अगर 115 का 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 11.5। एक बार और 10% लिख लीजिए, कितना आ जाएगा, 11.5 आ जाएगा। दोनों को अगर आप लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 20% बराबर कितना मिल जाएगा, तो 23 मिल जाएगा। बस इसमें से आपको क्या करना है, 23 घटा देना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। अब देखिए इन्हीं दोनों का अंतर हमें कितना दे दिया गया है, 8, यहाँ पे 8 बराबर आपको कितना दिया गया है, 64 दिया गया है। तो एक बराबर निकाल देंगे 8, तो 8 बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो 800, यहाँ पे 100 बराबर पूछा गया है, 100 बराबर कितना आ जाएगा, ये 800 आ जाएगा। तो आप लोग देखिए जैसे डायरेक्ट आपको दिखे कि अब 115 का 20% निकालना है, तो सीधे 10% 11.5, तो इसका दुगुना कर देंगे, 20% इसका दुगुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। सीधे घटा के आप लोग इसको आसानी में लगाया जा सकता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर देखिए क्या लिखा गया है, थोड़ा सा इसको सही कर लूँ, इधर उधर चला जाता है लिखने में। लिखा गया है अपनी कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाकर विनोद अपने कार्यालय 5 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कार्यालय 3 मिनट
पहले पहुंचता है तो उसके निवास स्थान और कार्यालय के बीच की दूरी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, पढ़ने से तो यही पता चल रहा है। तो जब डिस्टेंस सेम है तो स्पीड रेशियो आपको कितना दे दिया गया है, देखिए स्पीड रेशियो आपको दिया है 30 और 40, तो 0:0 कट जाएगा, तो 3:4। तो जब डिस्टेंस सेम हो तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, टाइम के उल्टा होता है यानी टाइम का रिवर्स होता है। तो यहाँ पर आपका टाइम रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ पे टाइम रेशियो आपका 4:0 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों के डिफरेंस का कितना है, अंतर कितने का है, 1 यूनिट। अब देखिए यहाँ पे 5 मिनट देरी से है और 3 मिनट पहले है। तो जब देरी और पहले हो यानी पहले हो और बाद में हो तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 5 3 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर 8, तो 4 यूनिट बराबर निकाल देंगे, कितना आ जाएगा ये 32 मिनट आ जाएगा, 32 मिनट। अब कुछ लोग कहेंगे 8 नहीं समझ में आए, तो आप लोग ऐसे सोचिए ये उसका ऑफिस है, तो ये 30 किलोमीटर की जा रहा है, तो 5 मिनट सोचिए, ये 5 मिनट मतलब देरी चल रहा है, और जैसे वो स्पीड बढ़ा देता है 40, तो ये 3 मिनट अधिक आ जाता है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 5 माइनस क्या कर देंगे 3 कर देंगे, तो 5 3 प्लस कितना आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो यहीं से डिफरेंस निकाला हूं। तो अब देखिए हमसे डिस्टेंस बराबर पूछा है, स्पीड कितना है 30 और यहां पे मिनट में दिया है, मिनट 32 मिनट दिया है, सॉरी पता नहीं क्या मिस्टेक हो रहा है। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 32, अब बटा में इसको घंटा में बदल देंगे 60। देखिए 30 × 60 2 और 2 से इसमें गुणा डिवाइड कर देंगे, सॉरी, तो कितना आ जाएगा 16 किलोमीटर। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 16 किलोमीटर, मतलब पहला वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए लिखा गया है, 2 कार अहमदाबाद से शुरू होती हैं और विपरीत दिशा में चलती हैं, जिनमें से एक कार की चाल दूसरी से 200 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, यदि वे 9 घंटे बाद सोचिए 9 घंटे बाद 45 किलोमीटर दूर हैं, तो दोनों कारों की चाल का योग हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, अगर आप लोग ये डिस्टेंस बराबर आपको पता होगा क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। देखिए मान लेते हैं जो पहली कार है इसकी स्पीड हमारा कितना दिया गया है, यक्स दे दिया गया है, तो दूसरी कार क्या हो जाएगी, इसका स्पीड कितना आ जाएगा, यक्स प्लस 200। अब डिस्टेंस हमें कितना दे दिया गया, देखिए 4500 दिया गया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये 4500 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 बार दिया गया, एक तो स्पीड आपकी ये दी गई है और एक हमारा स्पीड ये दिया गया है, तो ये टोटल डिस्टेंस आपको दिया गया है। मतलब अगर एक की स्पीड यक्स है तो यहाँ पे टाइम कितना ले रहा है, 9 प्लस कर देंगे, उसके बाद से स्पीड हमारा कितना हो गया है, यक्स प्लस 200 कोस्ट में, और यहाँ पर भी क्या कर दें, 9 से डिवाइड कर देंगे, सॉरी गुणा कर देंगे। अब आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर भी 9 दिया है, ये भी 9 दिया है, तो ये डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब जैसे ही इसको ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2x प्लस ये कितना आ जाएगा, ये 200। तो यहाँ से यक्स बराबर निकाल देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यानी 300 का आधा कर देंगे यानी 150। तो यहाँ से ये तो पहली की स्पीड आ गई है, देखिए फर्स्ट का, और सेकंड का अगर आप लोग निकाल देंगे तो 200 में ये कितना आ जाएगा, 350। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 500, यानी ये सेकेंड वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए ये भी सवाल अच्छा है, आप लोग इसको अच्छे से समझिए। लिखा गया देखिए, 20 आदमी और 15 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 10 लड़के इसे 9 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी द्वारा किया गया दैनिक काम एक लड़के द्वारा किए गए दैनिक काम का अनुपात बताना है। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए बेस्ट अप्रोच क्या होगी, तो सबसे पहले आप लोग ऐसे सोचिए, आपको क्या करना है, यहीं पे डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे 20 है और यहाँ पे क्या है, 15 दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर भी 25 है, यहाँ पे 10 है, मतलब 5 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है, तो यहीं पे हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए 5 से काटेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 × 20, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। इसको जैसे 5 से डिवाइड कर देंगे तो 25, और इसको जैसे डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब ओवरऑल देखिए, इसको लिखना तो नहीं चाहते हैं लेकिन लिख देता हूँ, कुछ लोग पहली बार देखेंगे तो कहेंगे सर डायरेक्ट कर दिए, तो आप लोग ऐसे सोचिए यहाँ पे, चलिए डायरेक्ट ही लिखता हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए एक बार लिख देता हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 20 आदमी दिया गया है, प्लस यहाँ पे 15 बॉय दिया गया है, ये करना है, और गुणे आपको क्या करना है, 10 करना है, और यही बराबर आपको लिख देना है कितना, देखिए 25 पुरुष प्लस 10 बॉय, और गुणे आपको क्या करना है, 9 करना है। यहाँ से आप लोग क्या निकालेंगे, देखिए मेल और लड़के का अनुपात निकाल लीजिए, समथिंग आएगा। लेकिन अब आपको देखिए डायरेक्ट लिखना है, ये तो मैं बेसिक बता दिया हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे 4 डिवाइड कर दिए, तो सीधे सीधे देखिए 10 यहाँ पे बचा है, यहाँ पे 9 दिन बचा है, तो 10 × 4 में गुणा कीजिए, देखिए 10 × 4 = 40, यहाँ पे 9 × 5 = 45, 45 में से 40 घटा देंगे, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 पुरुष आ जाएगा, तो 5, यही बराबर किसके हो जाएगा, देखिए 10 तिहाई
सॉरी हाँ तीन है ना, तो 10 तिहाई 30, 9 दुना के 18, 30 में से 18 घटा देंगे कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे 12 बॉय। तो मतलब देखिए आदमी और लड़के का अगर आप लोग अनुपात निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 12 बटा में 5 मिल जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, आदमी और बॉय, तो 12:5, यही इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए लिखा गया है 10, 15 और cot 15। देखिए 10, 15 का मान क्या होता है, तो 2 प्लस अंडर रूट में कितना होता है, √3। उसके बाद से प्लस कॉट 15 का मान 2 माइनस अंडर रूट में √3 होता है। तो देखिए ये माइनस वाले से ये प्लस वाला कट जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर 4, आप लोग इसको रट लीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये SSC में भी पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है, TCS द्वारा ये बार बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए लिखा गया है sec थीटा बराबर 5x दे दिया गया है और 10θ बराबर 5x बटा में x दे दिया गया है। तो हमसे 10, देखिए x स्क्वायर माइनस 1/x² का मान पूछा गया है, तो सबसे पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये sec² θ बराबर आपको क्या दे देगा, तो ये आपको 25x² दे देगा। अब पुनः इसका अगर आप लोग स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दे देगा, देखिए 10² θ बराबर ये क्या दे देगा आपका, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 बटा में क्या आ जाएगा, x². अब आप लोग पढ़े होंगे, देखिए sec² θ माइनस 10² θ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आता है। अब यहीं पे देखिए 25 कामन कर देंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या मिलेगा, x² बटा में 1/x² मिलेगा। लेकिन हमसे तो इसका मान पूछा गया है, तो अगर देखिए बोथ साइड दोनों साइड क्या कर देंगे, तो दोनों साइड 10 बटा में यहाँ पे क्या कर देंगे, 25 से हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमें मिल जाएगा 10 बटा में 25 बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10, और यहाँ पे x² अपन कितना आ जाएगा, x² आ जाएगा। ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से डिवाइड करना है, 5 × 2 = 10 = 25। तो यही इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए लिखा गया है नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडे में 3 अंडे सड़े निकले। तो देखिए ये टोटल 18 अंडा खरीद रही है, यहाँ पे 2 ही टर्म लागू होगा, क्या होगा, या तो खराब होगा और कुछ खराब हो जाएगा और कुछ सही हो जाएगा। लिखा गया है 3 अंडे सड़े निकले, 3 अंडे भैया, 3 गो अंडा सड़ गिल बना, तो कितने अंडे बचे हैं, 15 अंडे सही हो गए हैं। अब देखिए जैसे रेशियो निकालेंगे, 5 × 5 = 3 और 5 × 3 = 15, यानी 1:5 के अनुपात में। हमसे क्या पूछा गया है, यदि नूरी 690 अंडे खरीदती है तो उसके पास कितने अंडे होंगे। अब देखिए नूरी 600 अंडा खरीद रहे, तो सबसे पहले अच्छे अंडे की संख्या निकालते हैं। तो अच्छा अंडा कितना है, देखिए ये 5 है, तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5/6, और इसी का आपको क्या करना है, क्या दिया है, 690 दिया है, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है 690, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 690, और इसी को डिवाइड कर देंगे तो 6 × 6, और यहाँ पे 6 × 6 = 6, 5 = 30, 115 का अगर आप लोग 5 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 × 5 = 55, 5 × 25, यानी 575, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 575, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद 525 ना आएगा, 575 नहीं आएगा, देखिए गुणा कर लेते हैं, 5 × 25 × 5 = 5, 2 = 7, सही तो है 5 × 25, 575 सही है। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाजित है। तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, देखिए 99999 होता है, और इसी को क्या कर देना है, डिवाइड करना है, किससे आपको, 468 से। अब देखिए कितनी बार में चला जाएगा, 2 बार में, तो 2 बार में जाएगा तो 8 × 16 और 6 × 12, अब 12 × 1 कितना आ जाएगा, 13, और 4 × 8 = 9, 936 आ जाएगा, आ जाएगा ना 936। अब जैसे घटा देंगे तो ये यहाँ पे कितना आपको मिलेगा, तो 63 मिल जाएगा, 9 उतर जाएगा, पुनः 1 बार में भाग जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 468 लिखना है, अब इसको जैसे घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 171, और पुनः 9 उतार देंगे, 9 उतर जाएगा, अब कितनी बार में जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। देखिए जैसे गुणा करेंगे तो 8 × 3 = 24 × 4 और 6 × 3 = 18 × 2 = 20 और 4 × 3 = 12 = 14। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो 315 मिल जाएगा। बस यही संख्या में से क्या करना है, देखिए ये तो 6, 7, 8 में हम लोग पढ़े होंगे, सब कोई पढ़ा होगा, हम ही नहीं, सब कोई पढ़ता है 6, 7, 8 में। अगर 8 का अगर किताब उठा के देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा, जैसे अगर आप लोग घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 99684 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो ये तो मतलब छोटा सा सवाल है। तो चलिए यहीं तक क्वेश्चन लिया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।